छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र का आज है दूसरा दिन। सुबह 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होना है। करीब 10,000 करोड़ का पेश हो सकता है अनुपूरक बजट। 3 योजनाओं के लिए अनुपूरक बजट सरकार लाएगी। इसमें धान बोनस है, पीएम आवास है और महतारी वंदन योजना। इन 3 योजनाओं के लिए अनुपूरक बजट, भारी भरकम राशि इसमें हो सकती है अनुपूरक बजट। और किसानों के 2 साल के बकाया बोनस के लिए तकरीबन 5,000 करोड़ का खर्चा आ सकता है। प्रधानमंत्री आवास के लिए 3,000 करोड़ का खर्चा आ सकता है और महतारी वंदन योजना के लिए 1,500 करोड़ का खर्च आ सकता है। और यही वादे हमने बीजेपी के घोषणा पत्र में देखे, संकल्प पत्र में देखे हैं। अब ये देखना होगा कि इन वादों को कितनी जल्दी पूरा किया जाएगा और पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट पेश हो सकता है आज। रायपुर में कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत के आवास पर कांग्रेस एमएलए पहुंचे और विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर इसमें चर्चा हुई है। इसके अलावा बैठक में अलग अलग मसलों पर मंथन हुआ है। कैसे घेरा जाए सरकार को, इससे लेकर चर्चा हुई। सरकार को घेरने से लेकर तमाम रणनीति यहां पर बनाई गई है। ये बैठक कांग्रेस की विधानसभा में सरकार को घेरने को लेकर खासतौर पर हुई और इसमें कई चीजों पर चर्चा भी हुई, कई विषयों पर चर्चा हुई। खबर जगदलपुर से, जहां प्रदेश में सरकार बदलते ही कांग्रेस की योजनाओं का बुरा हाल होना